ऑल सी ए पी एफ एस सी 2023 एस्पिरेंट्स दोज हु आर अपियरिंग इन द एग्जाम बेस्ट विशेस टू ऑल एस्पिरेंट्स। आई नो दिस वॉज अ चैलेंजिंग टाइम। इनफैक्ट इफ यू सी फ्रॉम 2019 थिंग्स आर नॉट गोइंग इन राइट वे फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ऑब्वियसली पीपल आर गेटिंग सेलेक्टेड, पीपल आर ज्वाइनिंग, पीपल आर रिजेक्टेड ऑल्सो। तो बट द थिंग्स ना कि प्रीवियस ईयर रिजल्ट शुड कम बिफोर नेक्स्ट ईयर एग्जाम। दैट इज द साइकिल ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड दिस हैज बीन पैटर्न एंड फॉर सीएससी इट हैज बीन बीइंग फॉलोड एवरी ईयर। बट इन सीएपीएफ फ्रॉम 2019 इटसेल्फ साइकिल वाज ब्रोकन। सो इस बार आपसे एक्सपेक्टेशन मीन्स यूपीएससी से एक्सपेक्टेशन था आपके लिए कि रिजल्ट आ जाए। आप लोग में से जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया था सब लोग होपफुल थे कि रिजल्ट आ जाएगा ताकि जो कैंडिडेट एटलीस्ट फाइनली सेलेक्ट हो गए हैं उन्हें अपियर ना होने की जरूरत हो। बट एवरीथिंग इज नॉट इन आर हैंड। अब फॉर एग्जाम्पल जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जो इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं से डिसिमिनेट होता है। अब जो कैंडिडेट बहुत सारे होते हैं कि जब आपके पास इंफॉर्मेशन ना हो तो बताते क्यों हो। कुछ चीजें है कि अब रिटर्न जस्ट सिंपल लो कि रिटर्न इंफॉर्मेशन दे दें यस इस डेट को ये चीज होना है तो फिर डाउट ही नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका रिटर्न एग्जाम 6 अगस्त को होना है, ये इंफॉर्मेशन सबके पास है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके बहुत सारे जो ये इंफॉर्मेशन कैलेंडर में दिए हुए होते हैं वो अनलेस अदरवाइज एक्सेप्शनल केसेस ना हो तो वो आपके टाइम से नोटिफिकेशन आता है, टाइम से आपके रिजल्ट आते हैं, सॉरी टाइम से आपके एग्जाम होते हैं, जो भी सारी चीजें आपको प्रायर बता दिया जाता है। इंटरव्यू डेट किस डेट से किस डेट तक होगा ये सारे भी बता दिए जाते हैं। लेकिन रिजल्ट का जो डेट नहीं बताया जाता है यूपीएससी के द्वारा, लेकिन ये आशा किया जाता है, ये एक्सपेक्टेशन होता है कि नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम होगा उससे पहले आ जाए। अब इस चक्कर में बहुत सारे जो 22 में इंटरव्यू में अपीयर हुए हैं वो नहीं कंसंट्रेट कर पा रहे हैं नहीं, लेकिन ये हम हमारे बस में जो चीजें हैं हम वही कर सकते हैं। ओके सो जिन कैंडिडेट्स को भी ये लगता है कि आपका सेंटिमेंट हर्ट हुआ या आप इस कारण से उनके, आई एम सॉरी कि मेरे पास कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। अब मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ ना कि भाई चेयरमैन सर ने हमको ये बोला है या एग्जैक्ट मेंबर्स ने ये, नहीं कहीं ना कहीं से आपको थोड़ा इनपुट मिलता है, लगता है यस चीजें अ लॉट ऑफ टाइम आपकी सही होती है। जो भी जैसे इंटरव्यू शेड्यूल के जो थे वो ऑलमोस्ट टाइमली ये हुआ, या फिर जैसे 21 वाले का जो भी डिले या सारी चीजें, तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशन जो थे वो हो रहे थे। एनीवे अब उस चीज से बहुत अधिक परेशान नहीं होना है। आपने जितना भी प्रिपेयर किया है, जितनी भी आपकी प्रिपरेशन है, आप जिस भी कंडीशन में हो एग्जाम दो। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं कि हम 22 वाले इंटरव्यू दे चुके हैं फिर हमने पढ़ाई नहीं की, तबसे हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। तो इट्स बेटर आप जैसे भी हो जिस भी कंडीशन में हो एग्जाम को दो, आप अपियर हो, उसमें से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोर और लेस सबके ये स्थिति होती है। यस एवरी टाइम देयर आर कैंडिडेट्स जिनको फ्रेश माइंड से जो प्रिपेयर करते रहते हैं उनके लिए कोई ये नहीं है, वो चीजों को अपना अपने आधार पे करते हैं। तो आप चीजों को करते रहें, आप अपना वर्क करते रहें, उसमें से ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। और रिजल्ट जो भी है मे बी शायद आपका 21 वाला जो रिजर्व लिस्ट आएगा उसके पहले फोर्स एलोकेशन का इशू है। फोर्स एलोकेशन होना है, फोर्स एलोकेशन के बाद रिजर्व लिस्ट, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली ये आएगा। अब एक जैसे सीआईएसएफ का जो एक जो ट्रेनिंग सेंटर से इंफॉर्मेशन एक था और वो रिटर्न फॉर्म में था कि जो उनका कैलेंडर वो उस कैलेंडर के अनुसार उन्होंने दिया हुआ है 29 अगस्त से ये ट्रेनिंग स्टार्ट करने का। ऑब्वियसली वो भी श्योर नहीं है कि 29 अगस्त से आप कैसे हो सकता है जब तक फोर्स एलोकेशन वगैरह नहीं हुआ है। तो ठीक है, अब कुछ चीजें रिटर्न फॉर्म में होती है वो भी आपके सही नहीं होते हैं। आप खास करके जैसे स्टेट वगैरह पीसीएस जी का देखो तो बहुत सारी चीजें चेंज होते रहती है, तो इस वजह से सबके साथ ये प्रॉब्लम है, आपके साथ भी प्रॉब्लम है। तो आप टेंशन ना लो और आराम से एग्जाम दो। बेस्ट विशेस।